Welcome friends, today I'm gonna show you how you use loft command in 3ds max और आप कैसे इसे tools बना सकते हैं या shapes वगैरह बना सकते हैं loft की मदद से. सबसे पहले मैं line draw करता हूँ, इसके बाद मैं इसे rotate कर लेते हैं 90 के एंगल में. एनिमेशन बार में इधर 90 लिख दें. एक मैं एनगोन ड्रॉ करूंगा, 8 साइड वाला, 8 साइड वाला एनगोन. शेप्स में जाके एनगोन. अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. इतनी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी. कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाना है, लॉफ्ट को सिलेक्ट करना है. पहले लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर लॉफ्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे पाथ में लिख देना है 45 और गेट शेप करके एनगोन पे क्लिक करना है, जो आठ साइड वाला लिया था, जिसे पॉलीगोन भी कह सकते हो आप. ग्रीन लाइन यहाँ शो कर रही है कि इसकी शेप इधर तक है, 45% बता रहा है कि ये कितने परसेंट तक यहाँ पे इसकी शेप शो करेगा. अब मैं इसके आगे एक और शेप, अगला शेप बना सकता हूँ इसके आगे, 50 लिखकर. इसके बाद मैं इधर लिखूँगा 90 और फिर सर्कल को सिलेक्ट करूँगा गेट शेप करके. अब ये यहाँ पे शो कर रहा है. इसके बाद मैं लिखूँ 95 और रेक्टेंगल गेट शेप करके रेक्टेंगल पे क्लिक कर लूँगा. देखें एक टूल तैयार हो गया, स्क्रू ड्राइवर तैयार हो गया एक. अब इस पर टर्बो स्मूथ अप्लाई कर लेता हूँ. मॉडिफायर में जाके टर्बो स्मूथ अप्लाई करना है. अब इसमें को मैं एडिट मैश पर क्लिक करना है और इसकी सिलेक्शन कर लेनी. सबसे पहले मटेरियल अप्लाई करने से पहले इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं. अब इस पर मैं रेड कलर अप्लाई करूँगा मटेरियल. एम शॉर्ट की है मटेरियल की. आप लॉफ्ट कमांड की मदद से कोई भी किसी तरह की शेप्स बना सकते हैं. पहले आपने जो भी लाइन या किसी तरह का सर्कल या स्प्रिंग टाइप की चीज़, स्प्रिंग भी बना सकते हैं लॉफ्ट के कमांड की मदद से. लॉफ्ट कमांड की मदद से आप कुछ भी किसी तरह की शेप तैयार कर सकते हैं. अब इसको मैं मूव कर लेता हूँ. लाइन को सिलेक्ट किया, लॉफ्ट में गए, यहाँ पे ऑप्शन होगी पाथ. और ये देखिए इस तरह की शेप है. इसी तरह आपने पहले पाथ की मदद से भी बना सकते हैं. पहले शेप पर क्लिक करना है और फिर बाद में लाइन पर क्लिक करना है. पाथ और गेट शेप, ये दोनों तरह से आप ये इस तरह के टूल्स वगैरह या शेप्स वगैरह बना सकते हैं तरह तरह की. देखते हैं और सीखते हैं. सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफ़िज़.
Bye.